Hi guys, welcome back to Unique Point. Today I will discuss the most important and unique trick for the selective attention test, and by using this trick you can attempt all 30 questions in 8 minutes. Okay, आप इस ट्रिक का यूज़ करके सभी के सभी 30 क्वेश्चंस 8 मिनट में कर सकेंगे जो आपको एग्ज़ाम में टाइम अलॉट होगा. ठीक है, इससे पहले मैंने आपको एक ट्रिक बताया था यूनिटरी मेथड वाला, यूनिट प्लेसिटी वाला. ठीक है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट शॉर्टफॉल हो रहे थे, तो ये मैं सेकेंड जो ट्रिक लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप इस ट्रिक का हेल्प करके आप सारे के सारे 30 क्वेश्चंस आप 1 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे. ओके, स्टार्ट करते हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इसमें आपको करना, इस ट्रिक में आपको क्या करना है, आपको जो 5 है उसको नेगलेक्ट करना है. ओके, आपको 5 को काउंट नहीं करना है. हाँ जी, ये कह रहा हूँ 5 को आपको काउंट नहीं करना है. ठीक है, और देखिए पॉसिबिलिटी क्या है कि जो एग्ज़ाम्स में आप तक आते रहे हैं ऑड नंबर्स वाले सीरीज क्वेश्चंस में 1, 3, 5 ही आता है आपका. ओके, 7 और 9 की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, और जिस हिसाब से टाइम अलॉट है तो पॉसिबिलिटी भी नहीं है कि 7 और 9 आएगा. ठीक है, तो अगर आपका 1, 3, 5 आता है तो आपको 5 डिजिट को नेगलेक्ट करना है जब आप काउंटिंग करेंगे. ठीक है, लेकिन अब इस 5 को आपको किस केस में काउंट करना है वो मैं बताऊंगा. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको 3 पॉसिबिलिटी बताऊंगा. उस 3 पॉसिबिलिटी के लिए आप वीडियो को पूरा एंड देखिए, मैंने 6 क्वेश्चन कवर किए हैं, 6 क्वेश्चन में मैं तीनों पॉसिबिलिटी को कवर कर दूंगा. ठीक है, 10 मिनट का वीडियो होगा करीब लगभग, और आपको इस टॉपिक में जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ उसमें कोई डाउट नहीं रहेगा अगर आप पूरी वीडियो देखेंगे तो. ठीक है, देखिए मैंने आपको कहा 5 को आपको इग्नोर करना है. ओके, तो मैंने कहा 1, 1 और 3, 4, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 3 9, 9 प्लस 3 12, 12 का 2 ले लेंगे, मैंने यूनिट प्लेस से बता रखा है आपको, 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 3 10, 10 प्लस 1 11, 11 प्लस 1 12. क्या आया लास्ट में? 2 आया. 2 किस में है? ई ऑप्शन में. ठीक है, और किस में नहीं? ओके, तो अब आप सोचेंगे कि मैंने 5 क्यों नहीं लिया. देखिए अब सुनिए, ध्यान सुनिएगा, अगर देखिए 5 इवन टाइम्स होता है, अगर 5 दो बार हो तो यूनिट प्लेस क्या आएगा? आएगा. और 4 टाइम्स हो तब भी क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, मींस क्या है, अगर इवन नंबर्स पर टाइम में हो, 2, 4, 6 इतनी बार 5 हो, तो उसका जो यूनिट प्लेस जो है वो क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, अगर वो ओड हो तो क्या आएगा? 5 आएगा. 1 हो 3 हो, ठीक है, तब भी 5 आएगा. ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या आप रिजल्ट निकाल सकते हैं कि जो 5 का जो कैलकुलेशन आएगा वो चाहे 0 होगा उसकी लास्ट डिजिट या फिर 5 होगी. ठीक है, जो यूनिट प्लेस डिजिट होगा वो 0 होगा या फिर 5 होगा. ठीक है, तो एक तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि आपका एक 0 वाला ऑप्शन होगा, एक 5 वाला होगा. मीन्स क्या है कि आपने 1 और 3 को कैलकुलेट किया, आपका जो डिजिट आया वो लास्ट में क्या आया? 2 आया. ठीक है, अब देखिए एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि आपका 0 इसमें आ जाए, तो 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 आ जाएगा. ठीक है, एक पॉसिबिलिटी क्या है इसके अंदर कि आपका 5 आ जाए, जो 5 का एडिशन होगा या 5 ओल्ड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो 5 का एडिशन 5 आ जाए. ठीक है, लास्ट जो यूनिट प्लेस डिजिट है उसकी, तो वो आएगा तो क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए. तो देखिए इसमें ना, इसमें 7 तो है ही नहीं, खाली इसमें 2 था, इसलिए हमने सीधे 2 इसको आंसर कर दिया. ठीक है, और क्वेश्चन बताऊंगा आपको, ये क्लियर हो जाएगा. और आप देखिए सबसे ईजिएस्ट मेथड है, और ये आप इस ये जो सेशन है बहुत ईजिली कर पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, काउंट करते हैं. 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 3, 5, 5 प्लस 3, 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 8 12, 12 प्लस 1 13, 13 हो गया. ठीक है, देखिए यूनिट प्लेस भी ले सकते थे, बाकी अगर स्मॉल सम है 1 और 3 का तो आप इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, 13 प्लस 3 16, 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 1 18, 18 प्लस 3 21, 21 प्लस 1 22, 22 आ गया. ठीक है, 2 आ गया लास्ट में. मैंने आपको बताया था 5 का जो एडिशन होंगे, अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो सम उसका क्या होगा? इवन प्लेस पे 0 होगा, तो तब भी इवन प्लेस डिजिट 0 ही 2 ही आएगी. ठीक है, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो क्या होगा? 5 होगा, तो 2 प्लस 5 क्या होगा? 7 आएगा.
तो देखिए इसमें लास्ट में सेवन है किसी में, नहीं है किसी में सेवन है, इसी ऑप्शन नहीं है, खाली टू है, तो टू वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं ऐसे ही इसी बेस पे एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं आपको नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बताऊंगा। ठीक है, देखिए एक और सेम क्वेश्चन है इसी इसी पैटर्न का। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया कि आप जो सम करेंगे वन और थ्री का, वो यूनिट प्लेस मेथड से भी कर सकते हैं, चाहे आप पूरा भी कैलकुलेट कर लें, यूनिट प्लेस से करेंगे तो आपको उसका फायदा होगा और आप जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, 3 + 1 = 4, 4 + 1 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 3 = 12, 12 का 2 हो गया, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 3 = 11, 11 का 1 हो गया, फिर 1 + 1 = 2, ठीक है 2 हो गया, मैंने बताया फिर आपको 2 + 0 क्या आएगा 2, ठीक है, और 2 + 5 क्या आएगा 7, क्यों, क्योंकि अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा 5, ठीक है, तो उसका सम जो आएगा यूनिट प्लेस का 0 आएगा, तो 2 ही आ रहा है, रिमेन रहेगा आंसर, अगर ऑड होता है तो लास्ट में 7 आएगा, तो यहाँ पे भी कहीं 7 नहीं है, तो इसका आंसर बी ऑप्शन। देखिए आपको अधिकतर क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको ये 1 और 3 के एडिशन सम से ही निकल जाएंगे। ठीक है, ओके, तो आपको 5 को कहीं कैलकुलेट में जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि 5 ही ऐसा नंबर है जिसको आप ज़्यादा टाइम करते तो आपका जो नंबर का सम आता है वो ज़्यादा हो जाता है, 1 3 कैलकुलेशन करना तो आप बहुत ईजीएस्ट वे से बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, अब देखिए मैं नेक्स्ट पॉसिबिलिटी दूंगा आपको, इस क्वेश्चन में देखिए 3 3 3 6 6 3 9 9 3 12, 12 का 2 ले लिया, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, 9 + 3 12, 12 2, ठीक है 12 आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए 2 आ गया इसमें, अब मैंने आपको कहा था अगर 5 इवन नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो आंसर 2 होगा, अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तो यूनिट प्लेस ये क्या होगा 5 होगा, ठीक है तो 7 होगा, तो ये यूनिट प्लेस की बात करूंगा मैं हर जगह। देखिए देखिए यूनिट प्लेस 2 भी है इसमें, डी ऑप्शन में 7 भी है, दोनों हैं, तो अब मेरे को इस केस के अंदर मेरे को जब दोनों आ जाएंगे तब मेरे को 5 कैलकुलेट करना पड़ेगा कितने नंबर ऑफ 5 से। ठीक है, देखिए मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरा सम आया 2 आया था लास्ट में, 5 कैलकुलेट करूंगा, 1 2 3, ठीक है तो 5 3 टाइम्स है तो क्या होगा लास्ट में 5 आ जाएगा, 15 हो गया, 5 हो गया और 2 मेरा पहले आया था, तो 5 और 2 7, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, बी मेरा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, ठीक है दोबारा बताया था मैं आपको, देखिए ये आपका 3 था, 3 + 3 = 6, 6 + 3 = 9, 9 + 3 = 12, 12 का 2 गया, 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 3 = 12, 12 का 2 आ गया। ठीक है, अब नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ 5 क्या है 5, ठीक है 1 2 और 3, ठीक है नंबर ऑफ 5 कितने हैं 3 है मेरे पास। ठीक है, तो 3 5 से होकर तो क्या आएगा 15 आएगा, तो जो यूनिट प्लेस डिजिट आएगी इसकी 5 की, वो 5 आएगी, तो 5 + 2 = 7 हो गया, 7 कौन सा ऑप्शन है बी में, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर दोबारा वही करेंगे, 3 + 3 = 6, 6 + 1 = 7, 7 + 8 = 10, 10 आ गया 0 हो गया, अब 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, 6 + ठीक है 6 आ गया लास्ट में, कोई डिजिट नहीं और पीछे 6 आ गया। अब मैंने बताया अगर आपको अगर इवन होगा तो 0 होगा, 5 का सम, ऑड होगा तो +5 होगा। ठीक है, तो 6 + 5 करेंगे तो 11 आएगा, तो लास्ट में 1 आ रहा है, अगर 6 अगर इवन नंबर है तो 6 है, तो 6 और 1 दोनों है इसमें, देखिए 1 भी है 6 भी है, तो अब देखिए इसके लिए मेरे को बताया मैंने 5 कैलकुलेट करना, 5 नंबर ऑफ 5 को आप कैलकुलेट करना पड़ेगा, नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे तो आप कितने हैं वो देखते हैं, 1 2 3
ठीक है, नंबर फाइव यहाँ भी कितने, थ्री है, तो मतलब क्या है कि 6 + 5 हो जाएगा, तो आंसर में क्या लास्ट में 1 आएगा यूनिट प्लेस पे, तो यूनिट प्लेस में 1 किस में आ रहा है, सी ऑप्शन में आ रहा है, तो आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट देखिए, ये डिफरेंट पॉसिबिलिटी है। ओके, कैलकुलेट करते हैं, 1 1 + 1 2, 2 + 3 5, 5 + 1 6, 6 + 1 7, 7 + 3 10, 0 हो गया, 0 + 1 1, 1 + 3 4, 4 + 1 5, क्या आ गया, 5 आ गया आपका। ठीक है, तो 5 प्लस अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स तो 5 होगा, अगर ऑड है तो यहाँ पे 5 + 5 हो जाएगा, मीनिंग मतलब लास्ट में 0 आएगा, चाहे 0 आएगा चाहे 5 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0 5 दोनों हैं, दोनों हैं यहाँ पर। ठीक है, देखिए 0 5 दोनों हैं यहाँ पर, तो अब फिर 5 नंबर ऑफ 5 कैलकुलेट करेंगे, 1 2 3 3 है यहाँ भी, 50 में गया, तो 0 लास्ट में 0 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको बताया कि आप किस तरह से बिना 5 को कैलकुलेट करे भी क्वेश्चन को कर सकते हैं, और अधिकतर आपको ऐसा होगा कि अधिकतर क्वेश्चन में 5 कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। देखिए होगा 50-50 का चांस हो सकता है, लेकिन अगर आपको देखिए 5 कैलकुलेट नहीं करना पड़ रहा, तो आपको कितना ईजी, कितना कम समय में क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके, देखिए एक पॉसिबिलिटी और हो सकती थी, क्या हो सकती थी पॉसिबिलिटी, कि आपको वो जैसे मान लीजिए आपको उसने ऑप्शन, आपका आंसर यहाँ पे आ रहा है, जैसे मान लीजिए आपका आंसर 2 आया, ठीक है, तो नहीं 3 आता लास्ट में, ठीक है 3 आया आपका लास्ट में, 3 भी मतलब आओ आप, जैसे मान लीजिए आपका 37 ऑप्शन था, ठीक है 37 इसका ऑप्शन यहाँ पे था, और आपका डिजिट क्या आ रहा है, 2 आ रहा है सम का, जो आप 1 और 3 का सम कर रहे हो वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है आपका, और जो आपका ऑप्शन 37 था, और भी कोई डिजिट ऐसा नहीं था इसके लास्ट में 2 था। ठीक है, और मैं मेरी बात ध्यान सुनिए, आपका सम जो कर रहे हैं 1 3 का 2 आ रहा है, ठीक है 2 आ रहा है, और जो ऑप्शंस हैं उसमें किसी में 2 नहीं है, उसमें जो एक ऑप्शन है उसमें 7 है, तो वही आंसर होगा 7 वाला, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि 5 का जो नंबर्स ऑफ है, क्योंकि अगर वो इवन होता तो वो 0 वाला ऑप्शन उसने दिया ही नहीं। ठीक है, इस केस में ऐसा भी होगा, आपको ऑप्शन देगा ही नहीं, आप उस केस में ऐसे सॉल्व कर लेंगे। दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर आप सम करते हैं तो आपका सम 2 आता है, 1 और 3 का जो यूनिट प्लेस है सम 2 आता है उसका। ठीक है, और आपका जो ऑप्शन दे रखा 37 दे रखा है उसमें, और 2 वाला ऑप्शन कोई नहीं है, ठीक है, तो उसमें आंसर क्या होगा आपका, देखते ही टिक करना 37, क्यों, क्योंकि 5 के नंबर ऑफ टाइम्स अगर 0 होगा तो 2 होना चाहिए था, नहीं है तो मीन्स क्या है, ऑड नंबर ऑफ टाइम्स होगा तभी 37 ऑप्शन हो, 37 उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये 3 पॉसिबिलिटीज हो गई, मैं आपको बता दिया मैंने। ठीक है, ओके, तो आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट वीडियोस में, अभी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले मैं कुछ और आपको शॉर्ट ट्रिक्स और भी सेशन के ऊपर अपलोड करूंगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिए प्लीज़, और कमेंट्स अपने ज़रूर डालिएगा, हो सकता है कोई और आपको दिक्कत हो रही हो तो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो अपलोड कर सकूं। देखिए ये मैं सेक्शन इसलिए ही लेके आया था ताकि स्टूडेंट्स को इस सेक्शन में काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इनका क्वेश्चन 30 क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो कोशिश करूंगा, अब देखिए मैं इसके बाद कुछ शॉर्टेस्ट जो पॉसिबल रूट है उसके ऊपर कुछ वीडियो अपलोड करूंगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को और मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, जो मैं लास्ट में सेशन कुछ देता हूँ उसको आप ध्यान से सुना कीजिए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट बात हो सकती है। ठीक है, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम।